भारत जोड़ो यात्रा का आज है 132वां दिन। राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा जम्मू कश्मीर के बनिहाल रेलवे स्टेशन से हुई शुरू। यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। आज राहुल के साथ यात्रा में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उमर बोले, ये यात्रा देश के हालात बदलने के लिए निकाली जा रही है। राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में कांग्रेस ने रोकी यात्रा। कहा, आगे सुरक्षा नहीं मिल रही थी इसलिए रोकी यात्रा। आज भारत जोड़ो यात्रा को बनिहाल से शुरू होकर अनंतनाग तक जाना था, लेकिन राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं मिलने से कांग्रेस ने रोकी यात्रा। सवालों में केंद्र सरकार। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बवाल। एसएफआई ने स्क्रीनिंग की तो एबीपी ने द कश्मीर फाइल्स दिखाई। आरडीओ में किया गया है स्क्रीनिंग का ऐलान। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में दिल्ली में मेयर चुनाव जल्द कराने की गई है मांग। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से की बात। बोले, पीएम मोदी अपने ऊपर दबाव हावी ना होने दें। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हुबली और बेलगावी का करेंगे दौरा। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने संत ईश्वरानंद पुरी के हाथ से छीना माइक। संत बेंगलुरु में सामाजिक मसलों पर बोल रहे थे। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी को मिली 14 दिन की अंतरिम जमानत। सीबीआई ने कोर्ट में किया था जमानत का विरोध। इमरान खान ने पीटीआई नेता फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की आलोचना। बोले, मुझे चुप कराने की हो रही है कोशिश। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा जे चारी का कमाल। अमेरिकी एयरफोर्स में ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए हुए नामांकित। यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद से बौखलाया रूस। यूक्रेन पर दागी 55 मिसाइलें। हमले में गई 11 लोगों की जान। अमेरिका में पुलिस पर अश्वेत की हत्या के लगे आरोप। रश ड्राइविंग करने पर लाते मारी। टेजर गन से दिया शॉक। पुलिस की बर्बरता का वीडियो हुआ जारी। यूएस के उप सचिव शर्मन का बड़ा बयान। बोली, भारत और हर जगह तेज टिकाऊ विकास के लिए महिलाओं की भूमिका अहम। दुनिया भर में बड़ी टेक कंपनियों में छटनी जारी। इस बीच गूगल ने भी 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद लौटे अडानी ग्रुप के शेयर। कांग्रेस ने आरोपों की आरबीआई और सेबी से जांच कराने की मांग। भारत न्यूजीलैंड के T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज रांची में खेला जाएगा मैच। भारत वनडे सीरीज पहले 3-0 से कर चुका है अपने नाम। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को आज दिल्ली कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने एक्ट्रेस को दी दुबई जाने की इजाजत। एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने सत्यदीप मिश्रा के साथ की शादी। मसाबा और सत्यदीप की है ये दूसरी शादी। कपल ने सोशल मीडिया पर दी शादी की जानकारी।